अड़गे किसान, आगे क्या बड़ा घमासान, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, आंदोलन छोड़कर बातचीत की टेबल पर आए किसान। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएसपी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बुराड़ी जाने का केंद्र का प्रस्ताव लेकिन नामंजूर कर दिया है किसानों ने। ये कहा है कि बुराड़ी ओपन जेल है, प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन की जगह नहीं है, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे बिना शर्त के ही, सरकार बातचीत करे। हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं, 4 महीने तक का जिक्र यहाँ पर किसान करते हुए नजर आए। किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर हम जगह नहीं देंगे, लेकिन हमारी बात को खुले मन से स्वीकार करे सरकार। इसी सवाल के साथ सीधे अब मैं के शर्मा जी आपके पास आते हुए, उसके बाद लव कुमार सिंह जी मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। जो बातें यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं वो बातें समझ में आ रही है सरकार को? देखिए, 4 दिन हो चुके हैं, 4 महीनों की तैयारी के साथ यहाँ पर किसान आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि बिना शर्तों के बातचीत कीजिए, खुले मन से बातचीत के लिए आगे आइए, और जो कृषि कानून आप लेकर आए हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है, उसमें बदलाव करें, समाधान लेकर आए। के शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद में जेडीयू के नेता लव कुमार जी के पास फौरन जाएंगे। मैंने तो चित्रा जी पहले ही कहा कि हमने कोई शर्त तो रखी ही नहीं थी, हमने तो केवल किसानों से अपील किया और अपील करके कहा कि आप एक जगह एकत्रित होइए और एक प्रतिनिधि मंडल तय कीजिए, सरकार दूसरे ही दिन आपसे वार्ता करने को तैयार है। और नहीं तो हमने 3 तारीख को तो कृषि मंत्री जी ने कहा ही कि हमने किसान ने चौथी दौर की वार्ता जो है वो हम करने के लिए 3 तारीख तय था। तो हम तो कह रहे हैं लगातार वार्ता हो रही है और देश भर के किसानों से हो रही है, केवल इन्हीं की संगठन के का विषय नहीं है। और तभी तो आप देख रही हैं कि कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, तमाम जगह किसान, तो पूरे 80% इस देश के अंदर किसान है बैठे हुए हैं। तो सब लोग को कहीं संतुष्टि हो रही ना। आज त्रिपुरा का किसान, ठीक है वो धान और गेहूं नहीं पैदा करता, लेकिन क्या वो वहां पर अनानास पैदा नहीं करता? वो किसान नहीं है? आज उसको 5 रुपए जो अनानास का मिलता था वहां पर, आज उसको ई मार्केटिंग मिली है और वो 15 रुपए। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर पंजाब का किसान ज्यादा आंदोलन कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो क्या वो किसी राजनीति से प्रभावित और प्रेरित होकर पहुंचा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा आशय यह है, देखिए हम आपसे ये बार बार हमारे जो है मंत्री जी ने और सबने कहा है, सरकार ने कहा है, हाँ, कि आपको यदि लगता है कोई आपको ऐसी भ्रम है हो रही है या उस बिल को लेकर यदि कोई भ्रांति है या किसी तरह का आपको शंका है तो आप हमसे वार्ता कीजिए, हम आपको बताते हैं। जहां आप मंडी खत्म करने की बात की, जो अफवाह उड़ाई गई, हमने स्पष्ट रूप से कहा एपीएमसी एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं मंडी एक्ट मंडी समाप्त नहीं हो रही है, कहीं पर भी उनको हम यानी इस तरह के, हम तो देखिए मैं केवल एक शब्द कह दूं चित्रा, हाँ, एक उदाहरण देखिए कि एक दिल्ली से बॉम्बे रेल चल रही है, हमने ये कहा कि ये रेल के साथ साथ एक हम बस भी चला देते हैं। तो अब यदि आप ये शंका पैदा कर लें कि बस चलेगी तो रेल की जो है उसमें यात्री नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।